ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। सोलन में ISIS कमिंग सून के संदेश से लोग दहशत में, हिमाचल से नेपाल तक 3 बड़े धमाके करने की दी धमकी। ISIS के एजेंटों को जल्द किया जाए गिरफ्तार, मांग उठाई भाजुमो जिलाध्यक्ष भरसानी ने, कहा मामलों को गंभीरता से नहीं ले रही प्रदेश सरकार। SSB के सब इंस्पेक्टर की मौत की हो CBI जांच, मृतक धनदेव के परिजनों और गांव वालों ने उठाई मांग, वीरवार को पैतृक गांव पहुंचेगा धनदेव का शव, होगा अंतिम संस्कार। और हमीरपुर में हमीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया गया उद्घाटन, मरीजों को मिलेगी 24 घंटे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं। बाबा भूतनाथ मंदिर में तारा रात्रि से शिवलिंग पर मक्खन चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद रोजाना बाबा भूतनाथ मंदिर में भगवान शिव के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। सातवें दिन भगवान शिव की पिंडी को नागेश्वर महादेव के रूप में सजाया गया, जिसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। तारा रात्रि से शुरू हुए इस क्रम को लेकर रोजाना बाबा भूतनाथ की पिंडी को अलग अलग रूपों में सजाया जा रहा है। मक्खन के लेप से हर रोज शिव के अलग अलग रूप को दर्शाया जा रहा है। 23 फरवरी तक रोजाना बाबा भूतनाथ मंदिर में मक्खन चढ़ाया जाएगा। हर रोज शिव के नए रूप में प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, यानी मक्खन पर रोजाना भगवान शिव के विभिन्न रूपों के दर्शन करवाए जा रहे हैं। सातवें दिन भगवान शिव की पिंडी को नागेश्वर महादेव के रूप में सजाया गया। आज शिवरात्रि श्रृंगार महोत्सव के अंतर्गत सातवां दिन है, तो सातवें दिन आज बाबा भूतनाथ जी का जो श्रृंगार हुआ है, उस श्रृंगार का नाम नागेश्वर महादेव है। आज बाबा भूतनाथ नागेश्वर महादेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं, क्यों हमारे काशी में काल भैरव मंदिर के पीछे कपिल मुनि के द्वारा स्थापित नागेश्वर महादेव का मंदिर है और आज उन्हीं का विग्रह बनाया गया है। तो ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति को नवग्रह की पीड़ा हो, वह कहीं नागेश्वर महादेव का दर्शन पूजन करता है तो नवग्रह के दोषों का निवारण होता है और नवग्रह के से शांति मिलती है। इसलिए आज इस मंदिर प्रांगण में दर्शनार्थियों को दर्शन है तो नवग्रहेश्वर महादेव के रूप में बाबा भूतनाथ जी को सजाया गया है। आगामी 6 फरवरी को यानी सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त 4:30 और 5 बजे बाबा भूतनाथ जी का भस्मी आरती का आयोजन किया गया है और उसी दिन भंडारे का भी आयोजन है। जनता से अनुरोध है कि उस दिन आए। वहीं रोजाना मंदिर में शिव के अलग अलग रूपों को देखने के लिए श्रद्धालु आते हैं और शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। करने आता हूँ, आज ही हमने दर्शन किए। आज नवग्रह महेश्वर महादेव जी के रूप बनाया इन्होंने, जिसको दर्शन करने से नवग्रहों के जितने भी आपके दोष हैं दूर होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ पे। स्वामी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा होता रहना चाहिए। भूतनाथ के लिए बहुत बढ़िया है ये, तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के दर्शन करके। मैं रोज़ दर्शन करता हूँ यहाँ पे आके। और भूतनाथ नाम ही भूतनाथ है, ये सबकी रक्षा करते हैं और हमारे मंदिर के सबसे पुराने जो हमारे रक्षक हैं, मांडव नरवी जी के नाम से पड़ा है। बाबा भूतनाथ जी को पूरे मंडी के, पूरे हिमाचल के, पूरे हिंदुस्तान में सब जानते हैं और इसको तारा रात्रि से मक्खन लगना स्टार्ट हुआ और अब ये शिवरात्रि तक लगे रहेगा 1 महीना, उसके बाद शिवरात्रि फिर शुरू होगी। मंदिर के पुजारी ने बताया कि 6 फरवरी को मंदिर में भस्म आरती का आयोजन होगा और उसी दिन भंडारे के माध्यम से प्रभु का प्रसाद बांटा जाएगा। उन्होंने मंडी वासियों से भंडारे में भाग लेने का आह्वान किया है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। हिमाचल में मंगलवार आधी रात से हर तरह का ऑनलाइन सामान मंगवाना महंगा हो गया है। प्रदेश सरकार कुरियर कंपनियों से ऑनलाइन शॉपिंग पर 5% एंट्री टैक्स वसूलेगी। आबकारी एवं कराधान विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बुधवार से ई कॉमर्स साइटों के जरिए खरीदे जाने वाले हर सामान के प्रदेश में प्रवेश पर कुरियर कंपनियों को टैक्स चुकाना पड़ेगा। कुरियर कंपनी इसकी वसूली ऑनलाइन प्रोडक्ट देने वाली कंपनी से करेगी। हालांकि ये टैक्स प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के उपभोक्ताओं से नहीं वसूला जाएगा, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो जिस कंपनी से हम सामान खरीदेंगे वे राज्य में एंट्री टैक्स के हिसाब से हमसे ज्यादा कीमत वसूलेगी। इससे हिमाचल में अब सामान मंगाना महंगा हो गया है।
यह टैक्स तो वैसे सीधे तौर पर आम लोगों पर नहीं लगाया गया है, लेकिन इस टैक्स का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। दरअसल अभी तक हर कुरियर कंपनी सामान ग्राहक तक पहुंचाने के एवज में ई कॉमर्स साइट से निर्धारित रकम वसूलती थी, लेकिन अब कुरियर कंपनी पर हर माल पर 5% टैक्स लगेगा। ऐसे में ये रकम ऑनलाइन सामान देने पर कंपनी को ही देना होगा। इसी तरह कंपनी भी उत्पाद के दामों में इजाफा कर टैक्स की रकम को ग्राहक से ही वसूल करेगी। ऑनलाइन सामान पर एंट्री टैक्स की व्यवस्था मैच कुछ महीने ही लागू रह पाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष से हिमाचल समेत समूचे देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू होना है। ऐसे में अन्य टैक्सों के साथ ये टैक्स भी खत्म हो जाएगा। हालांकि यह जरूर कहा कि जीएसटी लागू होने तक होने वाले राजस्व घाटे की जरूर भरपाई की जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, की चैनल। सोलन में दूसरी बार आईएस कमिंग सून का संदेश देखने को मिला है, जिस कारण लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। अब की बार दहशत फैलाने के लिए सोलन के सबसे संवेदनशील क्षेत्र सुबाथू कैंटोनमेंट क्षेत्र को चुना गया है। घटना की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनमोहन सिंह ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और छानबीन जारी है। सोलन के सबसे संवेदनशील क्षेत्र सुबाथू कैंटोनमेंट क्षेत्र को चुना गया है, जहां न केवल आईएस कमिंग सून के पोस्टर लगाए गए हैं, बल्कि काले झंडों के साथ साथ स्प्रे पेंट से भी कई जगह आईएस कमिंग सून का संदेश लिखा गया है। दहशतगर्द यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने एक फरमान भी जारी किया है, जिसमें लिखा था कि हिमाचल से नेपाल तक 3 बड़े धमाके किए जाएंगे, जो टीवी वॉशिंग मशीन में किए जा सकते हैं। इस घटना की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनमोहन सिंह ने कहा कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। एसएफएल जुंगा की टीम भी मौके से साक्ष्य एकत्र कर रही है। उन्होंने बताया कि इस बारे में कई लोगों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द दहशतगर्द पुलिस के शिकंजे में होंगे। यह हमारे यहाँ सुबाथू पुलिस पोस्ट, जो हमारी सुबाथू में, यहाँ 7:30 बजे सुबह रिपोर्ट आई थी कि कुछ दीवारों पे कुछ आईएसआईएस रिलेटेड मटेरियल्स और कुछ बम और ऐसे शब्द लिखे हुए मिले हैं। तो जो हमारी पुलिस की जो टीम है, उन्होंने जो स्पॉट्स वगैरह विजिट किए, तो ये सबसे पहले एक बैरियर है वहाँ पे, उसके अलावा पोस्ट ऑफिस में, एक वाटर स्कीम में, एक प्राइवेट शॉप में, टोटल 5 लोकेशंस पे ये चीजें, एक जो हैंड रिटन पोस्टर सा लग रहा है वो बना के वो स्टिक किया गया है, दूसरा दीवारों पे आईएसआईएस कमिंग सून और ये जो बम जैसे शब्द लिखे गए हैं। तो इसमें जो पुलिस ने जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह की, उसके बेस पे फिर ये इस पे 124A में एक FIR रजिस्टर हो गई है PS धर्मपुर में, और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। नहीं, अगर भी हम पैलेस स्पॉट विजिट किया है जो बैरियर वाला है, इसके बाद हमने 5 स्पॉट हमारे फोरेंसिक की टीम भी रिक्वेस्ट की थी, तो हमारे साथ है। अभी जितने भी स्पॉट्स हैं उन सबको विजिट करेंगे, अगर ऐसी कोई बात होगी तो वो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उन्होंने लिया होगा तो ऑब्वियसली वो हमें हैंड ओवर करने के लिए लिया होगा, ताकि एविडेंसेस खराब वगैरह ना हो। तो अभी हम उनसे बात करेंगे, उसको भी हम अपने कब्जे में लेंगे, और जो भी हमें आगे इन्वेस्टिगेट करके लॉजिकली जहां पहुंचना होगा वो करेंगे। बता दें कि सुबाथू एक बड़ा कैंटोनमेंट क्षेत्र है। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैला छावनी क्षेत्र आसपास के सैकड़ों गांव के लिए व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है। छोटी सी बड़ी कई दुकानों में करोड़ों का कारोबार हो रहा है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से सुबाथू छावनी क्षेत्र में बंदोबस्त पर्याप्त नहीं है। हैरत की बात है कि यहां पर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे तक नहीं है। हालांकि मौके पर पहुंचे सुबाथू सेनाध्यक्ष ने सिविल क्षेत्र में जल्द ही सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही है। के चैनल के लिए सोलन से अजीत कौशल की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल इम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल इम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। वक्त तो चला है के एक्सप्रेस का। हिमाचल की फटाफट खबरें जानने के लिए आप देखिए के एक्सप्रेस।
ISIS कमिंग सून के संदेश से लोग दहशत में, हिमाचल से नेपाल तक तीन बड़े धमाके करने की दी धमकी। ISIS के एजेंटों को जल्द किया जाए गिरफ्तार, मांग उठाई भाजुमो जिलाध्यक्ष भरसानी ने, कहा मामलों को गंभीरता से नहीं ले रही प्रदेश सरकार। SSB के सब इंस्पेक्टर की मौत की हो CBI जांच, मृतक धनदेव के परिजनों और गांव वालों ने उठाई मांग, वीरवार को पैतृक गांव पहुंचेगा धनदेव का शव, होगा अंतिम संस्कार। और हमीरपुर में हमीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया गया उद्घाटन, मरीजों को मिलेगी 24 घंटे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं। गोहर उपमंडल की तूना पंचायत के दाड़ी गांव में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। SSB में सब इंस्पेक्टर धनदेव की अचानक परिवार को मौत की सूचना मिली, कारण अधिक खौफनाक था क्योंकि परिवार को बताया गया कि सब इंस्पेक्टर धनदेव ने दो अन्य जवानों के साथ पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली है। 47 वर्षीय धनदेव SSB में बतौर सब इंस्पेक्टर कार्यरत था और इन दिनों बिहार में तैनात था। अभी 2 महीने पहले ही धनदेव छुट्टी काट कर दोबारा से ड्यूटी पर गया था। पिछले कल घर वालों को SSB मुख्यालय से फोन पर सूचना मिली कि धनदेव का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है और यह भी बताया गया कि वह कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। बिहार की अखबारों में यह खबर छपी है कि धनदेव अपने साथियों के साथ किसी कार्य से ट्रेन के माध्यम से कहीं जा रहा था और रास्ते में ही ट्रेन से कूद गया। इतने में उसके साथियों ने ट्रेन को रुकवा कर उसकी तलाश शुरू कर दी और बाद में एक पेड़ पर उसका शव लटका हुआ मिला। धनदेव का शव उसकी कमीज से बने फंदे से लटका हुआ मिला है, लेकिन परिजनों को ये बात हजम नहीं हो रही है। परिजनों ने जिला प्रशासन से शव का पोस्टमार्टम यहां पर दोबारा से करवाने की मांग उठाई थी, लेकिन मामला डिफेंस का होने के कारण प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया है। अब परिजनों ने स्थानीय विधायक, जिला प्रशासन, राज्य सरकार और भारत सरकार से मामले की उच्च स्तरीय जाँच करवाने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि पूरे मामले की जांच CBI से करवाई जाए। मृतक धनदेव के बड़े भाई पुंजन के अनुसार धनदेव मानसिक रूप से परेशान नहीं था, क्योंकि धनदेव की एक दिन पहले ही परिवार वालों के साथ बात हुई थी और उस दौरान भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिला था। यही कारण है कि अब परिजन इस पूरे मामले की CBI से जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ घर पर मातम का माहौल है। बताया जा रहा है कि वीरवार सुबह पार्थिव शरीर घर पहुंचेगा, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। SSB में बतौर सब इंस्पेक्टर तैनात मंडी जिला के गोहर उपमंडल के तूना गांव निवासी धनदेव के परिजनों और गांव वालों ने पूरे मामले की CBI से जांच करवाने की मांग उठाई है। सोलन में दूसरी बार ISIS कमिंग सून का संदेश देखने को मिला है, जिस कारण लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। अब की बार दहशत फैलाने के लिए सोलन के सबसे संवेदनशील क्षेत्र सुबाथू कैंटोनमेंट क्षेत्र को चुना गया है। घटना की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनमोहन सिंह ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और छानबीन जारी है। सोलन के सबसे संवेदनशील क्षेत्र सुबाथू कैंटोनमेंट क्षेत्र को चुना गया है, जहां न केवल ISIS कमिंग सून के पोस्टर लगाए गए हैं, बल्कि काले झंडों के साथ साथ स्प्रे पेंट से भी कई जगह ISIS कमिंग सून का संदेश लिखा गया है। दहशत गर्द यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने एक फरमान भी जारी किया है, जिसमें लिखा था कि हिमाचल से नेपाल तक तीन बड़े धमाके किए जाएंगे, जो TV वॉशिंग मशीन में किए जा सकते हैं। इस घटना की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनमोहन सिंह ने कहा कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। SFL जुंगा की टीम भी मौके से साक्ष्य एकत्र कर रही है। उन्होंने बताया कि इस बारे में कई लोगों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द दहशत गर्द पुलिस के शिकंजे में होंगे। बता दें कि सुबाथू एक बड़ा कैंटोनमेंट क्षेत्र है। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैला छावनी क्षेत्र आसपास के सैकड़ों गांव के लिए व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है। छोटी सी बड़ी कई दुकानों में करोड़ों का कारोबार हो रहा है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से सुबाथू छावनी क्षेत्र में बंदोबस्त पर्याप्त नहीं है। हैरत की बात है कि यहां पर सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरे तक नहीं है। हालांकि मौके पर पहुंचे सुबाथू सेनाध्यक्ष ने सिविल क्षेत्र में जल्द ही CCTV कैमरे लगाने की बात कही है। अगर प्रदेश में दहशत फैलाने वाले ISIS के एजेंटों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो इसके खिलाफ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। ये चेतावनी सोलन में भाजुमो की जिला अध्यक्ष भरत साहनी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए दी। जिला सोलन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजुमो के जिला अध्यक्ष भरत साहनी ने कहा कि ISIS सितम्बर 2016 से सक्रिय है। प्रदेश सरकार और प्रशासन सोया हुआ है, चाहे वह पेयजल टंकियों में जहर घोलने का मामला हो या फिर परवाणु धर्मपुर क्षेत्र सहित सुबाथू 14 GTC में झंडे व बैनर लगाकर अपना निशान छोड़ने की बात हो।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार के खुफिया तंत्र विफल साबित हो गए हैं, जो कि अभी तक जिला में पेयजल की टंकियों में जहर पिलाने के मामलों सहित धर्मपुर में ISIS द्वारा देश विद्रोही निशान को लिखने वाले आतंकवादी को नहीं पकड़ सकी है। भरत साहनी का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें पकड़ना तो दूर, इसे गंभीरता से न लेते हुए शरारत करार दिया गया है, जिसको भाजपा बर्दाश्त नहीं करने वाली है और वह दोषी लोगों की गिरफ्तारी की मांग करती है। भाजयुमो के जिला अध्यक्ष भरसानी ने जिला प्रशासन और जांच एजेंसियों को चेतावनी दी है कि अगर प्रदेश में दहशत फैलाने वाले ISIS के एजेंटों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो इसके खिलाफ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शरारती तत्व किसी भी घटना को एक बार अंजाम दे सकते हैं, लेकिन जिला में ये घटनाक्रम का सिलसिला बार बार चल रहा है और यही वजह है कि लोगों का विश्वास जाँच एजेंसियों से उठता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला प्रशासन और सरकार को चाहिए कि वह दोषियों को बेपर्दा करे और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हिमाचल में मंगलवार आधी रात से हर तरह का ऑनलाइन सामान मंगवाना महंगा हो गया है। प्रदेश सरकार कुरियर कंपनियों से ऑनलाइन शॉपिंग पर 5% एंट्री टैक्स वसूलेगी। आबकारी एवं कराधान विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बुधवार से ई कॉमर्स साइटों के जरिए खरीदे जाने वाले हर सामान के प्रदेश में प्रवेश पर कुरियर कंपनियों को टैक्स चुकाना पड़ेगा। कुरियर कंपनी इसकी वसूली ऑनलाइन प्रोडक्ट देने वाली कंपनी से करेगी। हालांकि ये टैक्स प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के उपभोक्ताओं से नहीं वसूला जाएगा, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो जिस कंपनी से हम सामान खरीदेंगे वे राज्य में एंट्री टैक्स के हिसाब से हमसे ज्यादा कीमत वसूलेगी। इससे हिमाचल में अब सामान मंगाना महंगा हो गया है। यह टैक्स तो वैसे सीधे तौर पर आम लोगों पर नहीं लगाया गया है, लेकिन इस टैक्स का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। दरअसल अभी तक हर कुरियर कंपनी सामान ग्राहक तक पहुंचाने के एवज में ई कॉमर्स साइट से निर्धारित रकम वसूलती थी, लेकिन अब कुरियर कंपनी पर हर माल पर 5% टैक्स लगेगा। ऐसे में ये रकम ऑनलाइन सामान देने पर कंपनी को ही देना होगा। इसी तरह कंपनी भी उत्पाद के दामों में इजाफा कर टैक्स की रकम को ग्राहक से ही वसूल करेगी। ऑनलाइन सामान पर एंट्री टैक्स की व्यवस्था मैच कुछ महीने ही लागू रह पाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष से हिमाचल समेत समूचे देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू होना है। ऐसे में अन्य टैक्सों के साथ ये टैक्स भी खत्म हो जाएगा। हालांकि यह जरूर कहा कि GST लागू होने तक होने वाले राजस्व घाटे की जरूर भरपाई की जा सकेगी। आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने किंग जॉर्ज रॉयल पब्लिक स्कूल नेरचौक में वार्षिक समारोह की अध्यक्षता की और मेधावी छात्रों को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पारितोषिक वितरण समारोह शिक्षा सहित विभिन्न गतिविधियों में वर्ष भर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित करने का मंच है। आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने नेरचौक स्थित डडौर तथा किंग जॉर्ज रॉयल पब्लिक स्कूल में समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने छात्रों का आह्वान किया कि वे अपने माता पिता तथा गुरुजनों का आदर सम्मान करें। उन्होंने कहा कि छात्रों की सफलता पर माता पिता से अधिक शिक्षकों को प्रसन्नता होती है। उन्होंने अध्यापकों से आह्वान किया कि वे शिक्षा में गुणवत्ता लाने की दिशा में कार्य करें और छात्रों को एक अच्छा नागरिक बनाने के साथ ही उनमें देशभक्ति अनुशासन के गुण विकसित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के अंतर्गत हर वर्ष 10वीं तथा 12वीं के 10,000 छात्रों को लैपटॉप वितरित करती है। 1512 छात्रों को इस वर्ष लैपटॉप वितरित किए गए और इन मेधावी छात्रों में प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध निजी पाठशालाओं के छात्र भी शामिल है। उन्होंने कहा कि निजी शिक्षण संस्थान भी प्रदेश में शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गत 4 वर्षों के कार्यकाल में बल विधानसभा क्षेत्र में 33 से अधिक पाठशालाएं खोली अथवा अपग्रेड की गई हैं, जिससे घर द्वार पर ही शिक्षा सुविधा उपलब्ध हुई है। उन्होंने कहा कि बल विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है, जिससे यहां के युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त हो रही है। इस अवसर पर उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को 15,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा भी की। इससे पूर्व किंग जॉर्ज रॉयल पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य KP शर्मा ने मुख्य अतिथि को सम्मानित किया और स्कूल की रिपोर्ट पढ़ी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।